वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तहे दिल से वेलकम करते हैं और मेक योर माइंड शार्प विद सुमन सर। और आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ का अनसॉल्व साइंस का मैं कराऊंगा। और आप इस चैनल पर लगातार बने रहें और लगातार वीडियो अपलोड की जा रही है। देखिए मेरे हाथों में अनसॉल्व है अवतार का, हिंदी मीडियम का है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको अवतार का। तो आप जितने भी स्टूडेंट इस ट्रैक से जुड़े हैं, मैं क्वेश्चन इस पर लिखता जाऊंगा। अगर आपके पास अवतार की जो आंसर होगा उसको आप खोल के रखिएगा। पहला सेट इसमें जो 2022 का है ना, वो मैं सेट कर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, आगे बढ़ाते हैं है ना। चलिए इसे जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने है ना, जो सेट वन अवतार का ना, अवतार का सेट वन है, सेट वन ये किसका 2022 का ना, और 824 बी के ये पेपर का कोड है। चलिए यही हम लोग को सॉल्व करना है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना। पहली बात, अगर दर्पण की बात करें, पहला क्वेश्चन ऑप्शनल है, बहुविकल्पी में क्या होता है, पहली बात कभी भी सुनिए, कभी भी आप परीक्षा में बैठिए है ना, पेपर को सॉल्व करते समय इस बात का विचार रखिए कि आप कोई स्वच्छता का बिल्कुल एकदम ध्यान रखिए कि कट्टू मिट्टू नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं नकल विहीन परीक्षा, लेकिन नकल विहीन परीक्षा होती नहीं है। लास्ट तक जाते जाते आपको जरूर इधर उधर से संकेत मिल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शनल में जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, पूरा का पूरा एक्यूरेट पता हो, तभी आप उस बात को करिए, अन्यथा मत करिए, उसको छोड़ के रखिए है ना, आगे बढ़ जाइए उसको करिए। लेकिन यहाँ तो मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, आप दोनों को रूबरू होना है, इसलिए यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरू से कराते चलूँगा। लेकिन पेपर में जब आप अनल करिएगा तो उसका ऐसे मतलब आंसर लिख करके छोड़ दीजिए, अगर नहीं आएगा तो एक्यूरेट अगर आपको आएगा मतलब आप पूरा एकदम सही है कि कन्फर्म है कि सही है, तब जाके लिखना, नहीं तो उसमें अगर काटोगे ना, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर उसमें कट्टा मिट्टा होगा एग्जामिनर क्या होगा समझ जाएगा। एक बहुत पुरानी शायरी है कि लिफाफा देख के ही मजनून भाप जाते हैं कि मेरी लैला ने मेरे लिए क्या लिखा है, समझ में आई बात। तो उसी तरह से एग्जामिनर जो है वो आपका कॉपी देख के भाप जाता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है मेरे लिए, समझ में आई बात, इस बात का हमेशा ख्याल करना आप। चलिए कह रहा कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, पहली बात अगर मैं दर्पण की बात करूं है ना, दर्पण की ये जानिए दोनों, ये रिविजन और अनसॉल्व दोनों साथ में चलेगा ठीक है। दर्पण, तो दर्पण एक कांच के खोखले गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है जिसके उभरे हुए भाग पर या दबे हुए भाग पर यहाँ एक केंद्र होता है और यह जो त्रिज्या होती है बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये क्या बोलते हैं पी है ना। अगर इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिए, उभरे हुए भाग पर कलई कर दिए तो सामने वाला तल जो क्या क्या हो जाएगा, परावर्तक तल, क्या हो जाएगा परावर्तक तल, और जिसपे कलई किया गया है ना, कलई किया हुआ तल ठीक है। अगर उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो और दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ठीक है। अव मतलब दबा हुआ, अव मतलब दबा हुआ, जिसका दबा हुआ भाग मतलब नीचे वाला भाग, उत्तल मतलब उठा हुआ। वर्ड से रटो, तुम हिंदी मीडियम वाले हो, कहते हैं ना टर्मिनोलॉजी अगर तुमको आएगी ना तुमको कोई भी रोक नहीं पाएगा, मेरा दावा कहता है ना, मेरा दावा कहता, बाज बनो ठीक है। और जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं उसके जीवन का कोई मजा नहीं है, आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। और जो लग्जरियस लाइफ होती है वो सफलता की मोहताज होती है, और जो संघर्षमय लाइफ होती है वो सफलता की मोहताज नहीं होती, इसलिए संघर्ष करिए है ना, संघर्षशील बनिए। आइए बढ़ते हैं, और दबे हुए भाग पर कलई कर देंगे तो उभरा हुआ भाग क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे,
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है क्या है, अवतल दर्पण। क्लियर है, आई बात समझ में? उत्तल दर्पण है और क्या है, अवतल दर्पण है। कंफर्म हो गया, दर्पण क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिसके उभरे हुए भाग पर और दबे हुए भाग पर कलई की जाती है। यदि उभरे हुए भाग पर कलई किया गया तो अवतल क्या, अवतल दर्पण, दबे हुए भाग पर कलई किया गया तो क्या, उत्तल दर्पण। मतलब वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो, दबा हुआ तल क्या हो, परावर्तक तल, उसे अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसका, जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया गया हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, उसे अवतल, उत्तल दर्पण कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, है ना, मान लीजिए कि ऐसे कोई उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण। तो बताइए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर रहती है, है ना, है मान लीजिए P है और ये क्या है, इसका यहां C रहेगा, C रहेगा, बताइए इसकी फोकस दूरी कहां रहती है, इधर रहती है कि इधर रहती है, इधर रहती है। आई बात समझ में? ठीक है, फोकस दूरी ये कहीं बीच में होगा F। तो कह रहा कि 20 सेमी, है ना, 20 सेमी फोकस दूरी वाले, यहां जो दूरी है इसकी, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसी के सामने, इसी के सामने कितने दूरी पर रखा गया है, 20 सेमी पे, कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। समझना, कभी भी अगर दूरी मापी जाती है तो किससे मापी जाती है, एक्सिस से, अक्ष बना लो यहाँ पे, समझे। एक एक क्लास, एक एक सवाल में कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लिए तो उस टाइप का जितना भी न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व कर लोगे कि नहीं, समझ में बात। इसीलिए एक सवाल का इतना विधिवत ऑपरेशन कर दो कि दोबारा वो सवाल तुम्हारी तरफ पलट के देखे ना। आई बात समझ में? देखो हाई एक्स है, क्या आ जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा कि नहीं, हाई मूल बिंदु हो जाएगा, हाई वाई और क्या, वाई डैश, ये क्या प्लस और ये क्या, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को, हाई प्लस और क्या माइनस, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो कह रहा है इसमें चार चार ऑप्शन दिया, आप लोग बताइए 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 10 सेमी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे, 0 सेमी दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुनिए 10 कर दिया, तो इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 1/f बराबर क्या, 1/v एक प्लस 1/u, ये क्या है, दर्पण का सूत्र है, क्या है, दर्पण का सूत्र है। अब देखिए इसमें भी का मान जो दिया है कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इधर है, बात समझिएगा, -10 सेंटीमीटर। और जो u का मान दिया, f का मान दिया है, नहीं वस्तु रखा जा रहा है, u का मान है, सॉरी u का मान कितना है, 20, सॉरी u का मान दिया कितना, -20 सेंटीमीटर, और f का मान दिया है कितना, माइनस नहीं प्लस 20 सेंटीमीटर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ क्योंकि x डैश पे, बात समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने, उसके सामने उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी पे कोई वस्तु रखी जाती है, तब इसका क्या, बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है, इसी का क्या करना, करना है गणना करना। वो ऑप्शन दिया 10 सेमी, 0 सेमी, इनमें से सब, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है, तो आप कौन सा मारेंगे। तो सबसे पहले आप इतना देखें, दर्पण वर्पण का डेफिनेशन मैंने बताया है, अब यह दर्पण का सूत्र होता है, इससे फोकस दूरी की गणना की, अगर फोकस दूरी दिया है, यू दिया तो भी निकाल सकते हैं, भी और यू दिया तो एफ निकाल सकते हैं, और एफ और भी दिया तो क्या निकाल सकते हैं, यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, दो राशियां दी रहेगी तो एक अज्ञात राशि आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए तो हम लोग समीकरण बनाते हैं, मैथ वाले में आपने पढ़ा होगा, इसलिए तो समीकरण बनाते हैं। चलो तो यू कमान दिया -20 सेंटीमीटर और एफ कमान दिया कितना, 20 सेंटीमीटर, तो हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे, इसी फार्मूले में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे, तो एक एफ कमान कितना है, 20, और 1/v और प्लस 1/-20 है, देखो 1/20 और 1/v और यहाँ -1/20 हो जाएगा कि नहीं,
अब पछांतर करेंगे इधर माइनस में, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एक बट्टे भी बराबर क्या एक बट्टे बीस और प्लस एक बट्टे बीस, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 20 और एक एक कितना जाएगा दो, दो एकम दो, दो दो संयम 20 और तीर मारना भी एक कला है जो आपको आनी चाहिए, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन में जो है 10 सेंटीमीटर वो क्या है सही है, क्लियर है, यहाँ तक आ गया सबको, वीडियो को रुकिएगा मैं इरेज करूँ इसको। क्वेश्चन आ गया कि नहीं, दर्पण भी रिविजन हो गया,